गिरजाघरों में क्रिसमस का त्योहार मसीही समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह चरनी सजाई गई और प्रभु यीशु के स्वागत में क्षेत्र भक्ति में संगीत में गूंजता रहा। इस अवसर पर मांडर के आरसी चर्च में लॉकडाउन को देखते हुए चार चरणों में मिस्सा अनुष्ठान भी हुआ, जिसमें मसीही समुदाय के महिला व पुरुषों ने भाग लिया। रांची मांडर से डॉक्टर संजय प्रसाद की रिपोर्ट। जन्म पर्व का संदेश, मैं मांडर आरसी रोमन चर्च के पल्ली पुरोहित फादर देवनिस खेस सभी लोगों को जो हमारे मांडर प्रखंड के हैं और हमारे झारखंड के सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ संदेश, जो शांति के दूत बनकर आए, जिन्होंने दरिद्र मानवों को एहसास दिलाने के लिए आए कि ईश्वर उन्हें प्यार करते हैं, एक दिन दुखी बनकर एक गौशाले में जन्म लेने की कृपा की है, उनके नाम पर मैं सभी लोगों को शांति का संदेश देता हूं कि हम सभी भाईचारा और एकता आपस में हम बनाए रखें। आप सबों को जन्म पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। जय यीशु की। इस शुभ अवसर पर हम लोग बहुत खुशहाल हैं, क्योंकि आज हमारे प्रभु यीशु दुनिया के मुक्तिदाता एक नन्हे बालक के रूप में चैतन्य गौशाला घर में जन्म हुआ और वह आज सारी दुनिया को आकर्षित करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह प्रेम का ईश्वर है और वह हम लोगों को इसी प्रेम के पाठ को पढ़ाने के लिए नन्हे बालक के रूप में इस धरती पर आए, और इसलिए यह सारी दुनिया के लिए यह प्रभु है, सारी दुनिया का मुक्तिदाता है, जीवन दाता है, और इसे देने के लिए उन्हें एक नन्हे बालक के रूप में इस धरती पर आना पड़ा। और इसलिए आज हम जगह जगह और यहाँ पर भी हम ख्रिस्तीय लोग हैं, पूरे दुनिया के लोग हैं, इस त्यौहार को बड़े आनंद खुशी से मनाते हैं और प्रभु का आशीर्वाद को हम लोग अनुभव करते हैं कि हमारा प्रभु कितना महान है, कितना भला है, कितना दयालु है, कितना प्रेमी है। और इसलिए उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए निछावर कर दिया, एक नन्हे बालक के रूप में आए, लेकिन उनका जो जीवन था इस दुनिया में 30-35 वर्षों का जीवन था। 30 वर्ष वह अपने माता पिता के साथ रहे थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम 3 वर्ष उन्होंने घूम घूम करके यरूशलेम में, यहूदा में घूम घूम करके लोगों को संदेश दिया, प्रेम का पाठ पढ़ाया लोगों को, और उन्होंने कहा मैं आया हूँ इस दुनिया में कि लोग जीवन प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें। और इसी प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने जीवन को मानव की मुक्ति के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा भी है मैं एक मित्र का अपने मित्र के लिए प्राण देने से दूसरा प्रेम नहीं हो सकता है, और ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने किया है, अपने जीवन को उन्होंने बलिदान को चढ़ा दिया, और आज हम लोग उसके प्यार को अनुभव करते हैं इस नन्हे बालक के रूप में। सब उनको हम लोग बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सब उनको जय यीशु खुश पर।